सो फाइनली आज धूप निकल आई है और मुझे लगता है आधे घंटे से ज़्यादा ही जाएंगे। सो आज धूप निकल आई है और देखिए पूरा व्यू मस्त। और आज हम हन्नू हन्नू करेंगे पूल में। ये रहा पूरा व्यू, कल आप लोगों ने देखा था पूरा फॉगी फॉगी हो रखा था, आज पूरा क्लीन है, सन है पूरा ऑसम। मैं जा रहा हूँ पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है आज बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा पानी है दोस्तों, बहुत ठंडा पानी। नहा लिया, नाश्ता कर लिया, गिर जाएगा तो, और अब बैठे हैं थोड़ा धूप में, बहुत ठंड लग रही है। ठंड लग गई जीत, होटल चेंज कर दिया, मतलब कुछ चेंज चाहिए था हम लोगों को। 3 दिन हो गए थे हमें वहाँ पर रुके हुए, तो आज कुछ चेंज। और यहाँ तो आए तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऑसम लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी मंद मंद हवा। और ये मेरा झूला, ये वाला झूला मुझे अच्छा लगता है, तो इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना, तो आप धन धम मुझे नीचे दम। हाँ वैसे भी मैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। हैरा खूबसूरत, दर्द नहीं हो रहा हूँ।
ये रहा टी गार्डन, ये देखिए छोटी छोटी सी देखिए है ना ऑसम। मतलब क्या ही बोलूँ इस ब्यूटी के बारे में, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो हर किसी से ये कहूँगी कि एक बार टाइम निकाल के अपने अपने जीवन से, सभी के जीवन में बहुत व्यस्तताएं होती हैं, पर फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार ज़रूर आए आप लोग केरला घूमने। एक बात तो यहाँ माननी पड़ेगी, इसे क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, गॉड ओन कंट्री, क्या गॉड ओन कंट्री, गॉड ओन कंट्री, तो इसका मतलब है ये भगवान का घर है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे फ्लावर ना हो, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है। बहुत प्यारा है सर, छोटे छोटे से घर है बट हर जगह फुलवारी है, हर जगह ग्रीनरी है। ये देखिए आप, ये देखिए, मतलब मुझे मतलब ये इन सारी चीज़ों से हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम लोगों को भी अपने अपने घरों में गार्डनिंग करनी चाहिए। ये बच्चा पढ़ रहा था यहाँ पे, ये देखिए, मतलब देख रहे हैं आप ऐसा नर्सरी जैसा फील आ रहा है, बट ये नर्सरी नहीं, ये घर है सबके। देखिए अच्छे अच्छे से घर है। तो आज हमको ऐसी चीज देखने को मिली जो मैंने बहुत बचपन में देखी थी और यहाँ पे भी देखी, और मे भी आप लोगों ने देखी भी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, कमेंट में बताइएगा। आइए दिखाती हूँ ये क्या है, ये जो पौधा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको देखिएगा आप। ये मैं पाप कर रही हूँ पर आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। देखिए ये छुई मुई से कहते हैं, ये मुरझा जाता है, छूते ही इसका सब चला गया। ये देखिए, और एक इधर देखिए, ये ऑलरेडी है, तो ये करना तो नहीं चाहिए, ये पौधा है और सॉरी छुई मुई, लेकिन हमने दिखाने के लिए ये किया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी ये पूरा ट्री गार्डन है, ट्री सॉरी नहीं टी गार्डन है। इधर वो देखिए तीन गैया हैं, मुझे गैया से बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ पे शांति है। ये पूरा टी गार्डन है, इधर 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 देखिए पूरा का पूरा, इधर 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 है टी फैक्ट्री, यहाँ जहाँ पे चाय बनती है। हम लोग सोच रहे हैं वहाँ जाएँ कि ना जाएँ, ये सोचेंगे, अगर जाएँगे तो पक्का से वीडियो बनाएंगे, अगर नहीं जा पाए तो पता ही चल जाएगा कि भाई नहीं गए। तो यही है, तो फाइनली मैंने छुई मुई का पौधा देख लिया।